दोस्तों वेलकम टू द नॉलेज 100। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग को बताऊंगा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप लोग ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पहले क्या प्रोसेस था वो अलग हो चुका है। दोस्तों अभी नया प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे आप लोग अप्लाई कर पाइएगा मोबाइल से दोस्तों, क्योंकि पहले एक प्रोसेस अलग था, अभी जो भी वीडियो अपलोड किया गया है दोस्तों फॉल्स किया गया है। मैं आज रियल बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग को अप्लाई करना है और कैसे 1,30,000 रुपये को लेना है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा लेट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो दोस्तों आप लोग जब इस साइट पे आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखने में मिल जाएगा। बट दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे MIS लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखने में मिल जाएगा, इसमें करना है आपको क्लिक। दोस्तों यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यूज़र नेम पासवर्ड और कोड डाल के यहाँ पे लॉगिन किया जाता है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का हाउसिंग का जो अर्बन एरिया का है आप अप्लाई कर सकते हैं। बट दोस्तों इसको लॉगिन करने के लिए इसका ऑफिशियल साइट, मतलब जो साइबर कैफ है दोस्तों या CSC सेंटर है, उन लोग को ही इसका पासवर्ड और यूज़र आईडी मालूम है। अगर आपका कोई दोस्त है दोस्तों तो उससे आप यूज़र आईडी और पासवर्ड लेके अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्त नहीं है दोस्तों तो जाइए CSC सेंटर, और CSC सेंटर जाके दोस्तों यूज़र आईडी पासवर्ड और कोड डाल के लॉगिन करके आप अपना प्रधानमंत्री आवास योजना अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसका अलावा दोस्तों कोई भी प्रोसेस नहीं है, जितना भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं फेक देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि प्रोसेस यही है दोस्तों। उससे अगर कोई और अपडेट आता है दोस्तों तो मैं ज़रूर इस चैनल पर अपडेट दूंगा दोस्तों। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।